क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.6 क्वेश्चन नंबर 8 बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एबीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्टेड सर्कमसर्कल एट डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल डी ई एफ आर 90 - 1/2 a 90 - 1/2 b या 90 - 1/2 c। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है और एक ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है, ऐसे करके है ए बी सी, मैंने इसके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करे, वो इस सेमी सर्कल सर्कम सर्कल को डी पे कट कर रहा है, ये ई पर कट कर रहा है, सिमिलर वे में ये एंगल बाइसेक्टर एफ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो अब मैंने इनको ज्वाइन किया, ठीक है, तो मेरे पास ये एक और ट्रायंगल आ गया। ठीक है, तो मेरे को ये प्रूव करना है कि जो इस DEF ट्रायंगल के एंगल्स है वो ये है 90 - 1/2 a 90 - 1/2 b 90 - 1/2 c। ठीक है, तो देखते हैं। अब एक चीज बताओ, एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो मैं अगर आपसे पूछूं, इस एंगल की बात करता हूं, FBA, ठीक है, जो ये वाला एंगल है FBA, कैन आई से एंगल FBA, ये वाली FA कोड बना रही है और FA कोड ये भी बना रही है एंगल FCA, ठीक है। सिमिलर वे में अगर मैं आपसे इस EA कोड की बात करूं, EA कोड ये वाला एंगल बना रही है EBA, EBA बना रही है और ये वाला एंगल भी बना रही है EDA, तो आई कैन से एंगल EDA इज इक्वल टू एंगल EBA, बोल सकता हूँ, लेट्स से दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड। अगर मैं अब इन दोनों को ऐड करता हूँ, आई एम गेटिंग व्हाट, एंगल FDA प्लस एंगल EDA इज इक्वल टू एंगल FCA प्लस एंगल EBA, यही आएगा। अब देखो FDA प्लस EDA, ये तो पूरा एंगल ये D बन गया, ये बन गया ना मेरे पास, सो आई कैन से दैट दिस एंगल FDE, ये बन गया। अब देखो FCA क्या है, FCA आई कैन से हाफ ऑफ एंगल C, हाफ ऑफ एंगल C। EBA क्या है, EBA हाफ ऑफ एंगल B, हाफ ऑफ एंगल B, हमें ये गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर की एंगल बाइसेक्टर है, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं हाफ ऑफ सी हाफ ऑफ बी। ठीक है, ये बन गया। अब और एक चीज हमें ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सो आई विल से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए, इसको हाफ से डिवाइड कर दिया, सो हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 - 1/2 a। तो ये किसके इक्वल आ गया, 90 - 1/2 a। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। सो ये तो हमारा प्रूव होगा, सिमिलर वे में आई कैन प्रूव दैट, इन सिमिलर वे एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 90 - angle b/2, एंगल ई एफ डी इज इक्वल टू 90 - angle c/2, और ये हमें प्रूव करना है थे। सो हेंस प्रूव्ड।